हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों से सीधा आज मन की बात ही शेयर करती हूँ। रुक जा। और आज मेरे आका मारू को देखो कैसे बाल कटाए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी मन की बात आज इस तरह से है कि लोग अपने भविष्य की तैयारी आज से स्टार्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जब मुसीबत सर पे आती है तब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज का समाधान ढूंढते हैं। तो इसी विषय में मैं आज आपके से बात करना चाहती हूँ कि जब हमारे पास किसी भविष्य में किसी चीज की तैयारी हो तो हमारी भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल और सुंदर हो सकती है। पर हम क्या करते हैं, हम कई बार इन सब चीजों को ज्यादा सोचते नहीं है। जैसी जैसी हमारी लाइफ में हम वैसे ही चलते रहते हैं। अगर हमारे पास आज 500 रुपए है तो हम पूरा 500 रुपए खर्च करते हैं, 1000 रुपए है तो 1000 रुपए खर्च करते हैं। तो इस चीज को लेकर ना काफी लोग सीरियस नहीं रहते हैं। तो इसी बात के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ अच्छी सी, जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगी कि आपको भविष्य के लिए सेविंग कितनी करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक नगर में बहुत बड़ी बात ऐसी है, वहाँ का राजा हर 5-5 साल में वो चेंज होता रहता था, बदलता रहता था। वहाँ के जो राज्य थे वो हर 5 साल में वहाँ का राजा को वो बदल देता था। वहाँ का जो रूल ही बना हुआ था कि ये राजा अगर 5 साल तक राज करेगा तो इस राजा को हम लोग हटा देंगे, दूसरा राजा हम यहाँ पे बिठा देंगे। अच्छा, पास में ही है बहुत बड़ा घना जंगल जहाँ पे बहुत ही खतरनाक शेर, चीते, भालू, बहुत बड़े बड़े जानवर रहते थे उस जंगल में। तो वो लोग क्या करते थे, 5 साल होने के बाद उन्हीं राजाओं को वो लोग ले जाके उसी जंगल में छोड़ देते थे कि वो दोबारा लौट के ना आए। तो उसी राजा को वो ले जाके दोबारा उसी जंगल में छोड़ देते थे। तो ऐसे करते करते काफी साल बीत गए, काफी सारे राजा वो लोग क्या करते थे, वहां के राज्य उठा के उस राजा को जंगल में छोड़ देते थे। तो अब एक आया बहुत ही समझदार और चालाक राजा। तो उस राजा ने पूरी प्रजा से ये पूछी कि इतने सारे राजा पहले के वो कहाँ गए। तो सबने बोला यहाँ का रूल है, यहाँ 5 साल से ज्यादा कोई राजा हम टिकने नहीं देते हैं, वो उस राजा को हम ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। जंगल में उसकी मौत हो जाती है, शेर खा जाते हैं, भालू खा जाते हैं, जो भी है हमें नहीं पता, हम जंगल में छोड़ देते हैं। इस टाइप से पूरी प्रजा ने बोली। तो राजा ने ना बड़ी गहराई से सोचा इस बात को कि ये किस टाइप की प्रथा है यहाँ की। तो राजा ने क्या किया, अपना चालाकी वाला दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बड़ा क्लेवर राजा था। उसने अपना दिमाग को इस्तेमाल किया, उसने कहा क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, महल में तो संपत्ति था ही, क्योंकि वो राजा था तो वहाँ का संपत्ति उसी का ही था, एक तरह से वो उसी का ही हकदार था। उसने क्या किया, कुछ वर्कर लगा के पूरे जंगल उसने साफ कर दिया, पूरा जंगल कटवा दिया, जानवर अनवर वहां से भगा दिया, जानवरों को हटवा दिया सारे, और जंगल जो है पूरा साफ कर दिया। जंगल जो है अब वहां का जो जंगल है, जंगल सारा खत्म होके कुल 2-3 सालों के अंदर वहां पे एक शहर, अच्छा खासा एक शहर सा बस गया। तो वहां पे मतलब बहुत ही अच्छा शहर बन गया, गलियां बन गई, सड़कें बन गए, वहां पे लोग मकाने बनाने लग गए उस जंगल जहाँ पे वो जंगल था। तो राजा ने इस तरह की चीजें वहां पे कर दी, उस जंगल को ही खत्म कर डाला कि कोई यहाँ पे आए ना, मतलब कोई अगर मुझे यहाँ पे कोई छोड़ने आएगा तो वो कहाँ छोड़ने आएगा। इस टाइप का उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसने ये काम कर दिया। अब करीबन 5 साल हो गए। अब 5 साल के बाद वो बड़ा खुश होता है, कहता है अब यहाँ की प्रजा मुझे छोड़ने के लिए जाएगी, कहाँ जाएगी मुझे छोड़ने। तो वहां की प्रजा अब तैयारी करता है राजा की विदाई के लिए। वो लोग क्या करते हैं, राजा को ले जाते हैं और वहां का जो एक नाव है, नाव से उस साइड जंगल था जहाँ पे वो जंगल था उस साइड छोड़ने के लिए वो नाव पे बिठा देता है। तो राजा बहुत खुश होता है। तो वहां की प्रजा कहती है आप इतने खुश क्यों हैं, कहते मैं खुश क्यों ना हूं, मैंने तो वो सारे जंगल ही खत्म करवा दिए,
वहाँ पे जंगल सारे मैंने खत्म करवा दिए हैं, अब वहाँ पे शहर बस रहा है, वहाँ भी मेरा राज है, वहाँ भी मेरा मैंने अपने काफी बिजनेस सेटअप करवा दिया मैंने अपना। उसने अपना कारोबार भी वहाँ पे बनवा लिया, अपना कई कारोबार, जूते का कारोबार, कपड़ों का कारोबार वहाँ पे बनवा दिया उसने। तो राजा का एक तरह से वहाँ भी काफी प्रॉपर्टी बन गई थी राजा की, जो राजा वहाँ पे काफी बिजनेस उसने अपना तैयार करवा दिया था बिजनेस। तो इस टाइप से राजा वहाँ जाके भी वो अपना सुखी से रहने लगा, वहाँ अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगा, वहाँ पे काफी सारे उसने अच्छा खासा उसने अपना पैसा कमाने का जरिया उसने बना लिया था। तो वहाँ जाके भी वो बहुत सुखी से रहा। ये कहानी से फ्रेंड्स यही सीख मिलती है कि देखिए राजा ने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया, जो राजमहल में जो पैसा था उस राजमहल का उस पैसे से उसने एक अपने भविष्य का उसने अपना सोचा कि मैं अपने भविष्य में जाके ये करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग आके उसे मरने के लिए छोड़ देते जंगल में, वो करता क्या। तो यही था फ्रेंड्स मेरी आज की छोटी सी ये मन की बात कि अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए आपको आज से ही सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अगर आज आप नहीं सोचेंगे तो ये समय बीत जाएगा और ऐसे वक्त पे आप लोग फंस जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए मेरी इतनी सी थी मन की बात, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगी। और आप लोग सब दिवाली की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी ये मन की बात आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना ही है मेरी वीडियो आज का। तो कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।